so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something comfortable. Hey guys, welcome back to the new video. And आज की वीडियो में मैं लेके आया सबसे डिमांडिंग ट्यूटोरियल जिसपे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लाइक्स आए थे, बहुत शेयर हुई थी ये फ़ोटो कि भाई ये बंदा बिन लाइट्स के इतनी अच्छी फ़ोटो कैसे निकाल रहा है। वो ये वाली फ़ोटो है डुअल टोन वाली, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, देख सकते हो ये वाली फ़ोटो है डुअल टोन वाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आया था इस वाली फ़ोटो का कि भाई आप ऐसी फ़ोटो कैसे खींचे एंड देन आपने इसे एडिट कैसे किया। सो मैं आज आपको ये चीज़ अच्छे से सिखाऊंगा कि आप भी कैसे ये कर सकते हैं, कैसे फ़ोटो खिंचा सकते हैं एंड कैसे एडिट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हम जब फ़ोटो खींचेंगे तो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसा फेस में करना चाहिए तो अच्छा लुक आएगा। सो उसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरे आखिरी तक देखना है। और हो सकता है इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें आपको पता चले जो आपको कभी मतलब सुनी भी नहीं होगी। सो मिलते हैं अभी अपन आगे। सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोटो खिंचाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ़ोटो खिंचाना है। सो लेट्स गो। सो गाइज ये वाली लाइट देख सकते हो आप, थोड़ी येलो कलर की है, ये इसमें वाइट दिख रही है। सो ये वाली लाइट में अपन को फ़ोटो खिंचाना है। तो ये वाली लाइट मतलब आपको ज़रूरी नहीं, आप वाइट लाइट में भी खिंचा सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा ऑरेंजी लुक आ जाता है जैसे कि आप अभी देख सकते हैं वीडियो में आ रहा है। सो आप चाहे तो इस पर खिंचा सकते हैं या फिर नॉर्मल जो हमारे घर में लाइट्स लग रहती है वाइट वाली उसमें भी खिंचा सकते हैं। ये बल्ब आती है वैसे बहुत सस्ती आती है, ये 10 या 15 रुपये की आती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्यों खड़ा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ही मैंने फ़ोटो खिंचाई थी। ये जो आपने लोकेशन देख रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे मैं बैठा था, एक फ़ोटो मेरी यहाँ पर खिंचाई थी और एक फ़ोटो मैंने यही मिरर पर खिंचाई थी। तो मैं ऐसे कुछ खड़ा था कुछ इस तरह से और यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था। सो आप चाहे तो ऐसे भी खिंचा सकते हैं या फिर दूसरे भी खिंचा सकते हैं जो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये वैसे मेरा बाथरूम का है फ़ोटो, मेरा बाथरूम का लोकेशन है, तो आप यहाँ पे भी खिंचा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है, ठीक है, घर की बात है, समझ सकते हो आप लोग भी। सो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एंगल में खिंचाया था फ़ोटो, कुछ ऐसा करके, तो ये बहुत अच्छा एंगल था मेरे लिए, मतलब मेरी फ़ोटो वायरल हुई तो यार अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मैंने खिंचाया था और यहाँ पे मैंने खिंचाया था, तो ये दो जगह मैंने खिंचाई थी। आप लोकेशन देख सकते हो यहाँ पे और वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा कि आपको फेस में क्या लगाना है जिससे आपका फोटो अच्छा दिखे, या तो पसीना या तो पानी। तो पसीना मत लगाना, पानी ही लगाना है अपन को। तो पानी कैसे लगाना है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। सो गाइस आपको करना क्या है, आपको पानी ले लेना है थोड़े से हाथ में और बस अपने फेस में कुछ इस तरह से छिड़कना है। तो जैसे आप इस तरह से छिड़कोगे थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा वाटरी वाटरी। सो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे छिड़क लेना है आपको एंड देन आपको फ़ोटो खिंचानी है, ताकि जब अपन फ़ोटो खींचे तो उसको एडिट करते टाइम हमें कुछ अच्छा सा टेक्सचर मिल जाए। सो ये आप कर सकते हो, ऐसा कुछ टेक्सचर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखो। तो फ़ोटो खिंचाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप ऐसा कुछ टेक्सचर के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हो कि पानी थोड़ा सा छिड़क ले फेस पे, देन अपन फ़ोटो खिंचाने की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मैं नेक्स्ट थिंग आपको बोलूँगा कि आप ऐसे ब्राइट टी शर्ट की जगह आप ये डार्क टी शर्ट पहन लो। और डार्क टी शर्ट पहनने से होगा क्या कि आपके फ़ोटो में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। सो डार्क टी शर्ट पहन लेना, ब्लैक या फिर ऐसा कोई भी डार्क कलर का पहन लेना। सो मेरे पास अभी ब्लैक है बट अभी नहीं दिख रहा है तो मैंने ये वाली डाल दी। सो आप ब्लैक कलर की पहन लेना एंड देन आपको शूट करना है। लाइट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाली लाइट है येलो वाली टंगस्टन लाइट, जो कि 10 रुपये की बल्ब आती है। आप उसे प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है आपके लिए। और तो यहाँ पर हमारा काम कम्प्लीट होता है लाइट और सेटअप का, देन हमको फ़ोटो खिंचानी है। सो मैं आपको कैमरे, अगर आपके पास कैमरा है तो आपके पास अच्छे से फोटो आ सकती है, थोड़ी ब्लर ब्लर वाली। लेकिन अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप फ़ोन से भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। सो मैं कैसे खिंचाना है मैं अभी तुरंत छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस आप चाहे तो फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने एक फ़ोटो ऐसे टाइप की ली थी, टाइल्स पे, थोड़ा पीछे टाइल्स का वाइट बैकग्राउंड आया था, बस मैंने फ़ोटो ली। तो आप फ़ोन से भी ऐसे ही फ़ोटो नॉर्मली सिंपली खींच सकते हैं, तो आपकी फ़ोटो में काम हो जाएगा आपका। डिटेलिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है अभी आगे। सो फर्स्टली आपको वीडियो पूरा देखना है, इसलिए वेट फॉर दी एंड यार, अच्छा खास तो आगे ट्यूटोरियल में होगा। सो फ़ोटो आप या तो ऐसे ले ले या तो आपको मिरर में लेनी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप मिरर में भी ऐसे खिंचा सकते हो, देखो दोनों काम मेरे को ही करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप मिरर में भी खिंचा सकते हो, वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो गाइस आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ऐसे टाइप के वीडियोस कैसे लग रहे हैं, जो थोड़े व्लॉग टाइप के ट्यूटोरियल्स होते हैं। सो मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू करूँगा और थोड़े से अच्छे से शिफ्ट करूँगा व्लॉग प्लस ट्यूटोरियल दोनों पे। सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसे लग रहा है इस टाइप के वीडियोज़, और अपने अगले वीडियो का भी आप मुझे बता सकते हो किस फ़ोटो का रीमेक करना है। सो अपन उसे ज़रूर करेंगे वीडियो को। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसे प्लीज़ केयरफुली पूरा देखना। तो चलो आते हैं अपने फ़ोन पर। ओके तो मैं लाइट रूम में अब आ चुका हूँ एंड लाइट रूम में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं फटाक से थोड़े से लाइट्स वाइट्स को एडजस्ट कर लेता हूँ एंड ये सब लाइट्स को आप देख सकते हैं, बेसिक से थिंग है। मैंने एक्सपोजर को, कंट्रास्ट, शेडोज़, वाइट्स एंड ब्लैक्स को करेक्ट किया जो मेरे फ़ोटो के अकॉर्डिंग, जिसे हम बोलते हैं लाइट करेक्शन। एंड लाइट करेक्शन मैं कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने थोड़े शाइन टाइप की इफेक्ट दिए वाइट ब्लैक डाल करके। एंड यहाँ से हमारा काम होता है कंप्लीट। फिर हम जाएंगे सेलेक्टिव टूल्स की तरफ। सेलेक्टिव टूल में हम ग्रेडियंट चूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ग्रेडियंट मैं एक तरफ से मार रहा हूँ राइट तरफ से, तो मैं इधर चाह रहा था ब्लूइश कलर, तो मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ जिससे ब्लू कलर आता है। एंड यहाँ नीचे आपको जो कलर का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा एक्वा ब्लू में सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर को, एंड मैं अपने फेस, आधे फेस तक उसको ले आता हूँ। अब मैं एक्सपोजर, कंट्रास्ट और वाइट्स को सिर्फ उस ग्रेडियंट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ से नॉइज़ को और शार्पनेस को, नॉइज़ को पूरा कम कर रहा हूँ, शार्पनेस को पूरी बढ़ा दे रहा हूँ ताकि अच्छा सा ग्रीन इफेक्ट आ जाए, है ना, तो वो बहुत अच्छा दिखता है। एंड मैं बस यहाँ पे और थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा हूँ एक्सपोजर वगैरह की, आप फोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन मैं एक न्यू ग्रेडियंट बनाता हूँ जो कि अपोजिट साइड से आएगी, लेफ़्ट से, एंड वो मैं चूज़ करूँगा थोड़े रेड ऑरेंज टाइप के। तो रेड ऑरेंज को मैं चूज़ करूँगा और उसके एक्सपोजर वगैरह को सेट करूँगा। रेड ऑरेंज कैसे आप कलर से चूज़ कर सकते हैं एंड टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑरेंज आता है, तो ऐसा करके आप कर सकते हो। यहाँ से मैं उसकी क्लैरिटी भी बढ़ा रहा हूँ, एंड सेम नॉइज़ को पूरा कम एंड शार्पनेस को पूरा ज़्यादा कर लेना है। एंड बाकी आप हाइलाइट्स वगैरह को आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ लुक आ गया, आप देख सकते हैं, बहुत ही ऑसम दिख रहा है बिफोर आफ्टर। देन मैं नीचे से एक और ग्रेडियंट डालता हूँ ताकि क्लैरिटी बढ़ाऊँ, नीचे से थोड़ी विनेट इफेक्ट आ जाए ब्लैक, तो वहाँ से मैं एक्सपोजर कम करके क्लैरिटी बढ़ा दिया, सिंपल। देन वीडियो को स्किप मत करना भाई, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन मैं पूरी ओवरऑल फ़ोटो की टेम्परेचर वगैरह को सेट कर रहा हूँ, एंड कलर्स को HSL जो कि हम जानते हैं, फेस को ब्राइट करना, अलग अलग कलर को लेना, ब्लू को, तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ नहीं, बस स्किन को मैंने गोरा किया। देन मैं ओवरऑल फ़ोटो की क्लैरिटी को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी बढ़ाने से अच्छा सा टेक्सचर आ जा रहा है, और इसके टेक्सचर को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा विनेट इफेक्ट दे दिया ताकि पूरा ब्लैक हो जाए। देन मैं ग्रेन अमाउंट बढ़ाऊँगा। ग्रेन अमाउंट के लिए मैं आपको पहले ही एक ट्रिक बता दूँ कि आपने ग्रेन अमाउंट को रखना है वही 19-20, एंड रफनेस को भी रखना है 19-20, एंड साइज़ को पूरा बढ़ा दो। साइज़ पूरा बढ़ाओ, ग्रेन और रफनेस को कम रखो, तो इतनी प्यारी टेक्सचर आएगी आपके स्किन पे कि आपको दूसरे कोई मेथड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे आपका काम होता है कंप्लीट ग्रेन व्रेन का। देन आपको मैं बताऊँगा कि आप शार्पनेस कैसे ऐड कर सकते हो। आपको शार्पनेस वाले सेक्शन में जाना है, शार्पनेस को भी थोड़ा बढ़ाना है, डिटेल को कम करना है, रेडियस को पूरा बढ़ा दो, तो फिर से बहुत प्यारा टेक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका शार्पनेस वाला काम कंप्लीट। देन आप हीलिंग ब्रश से अपने पिंपल्स वगैरह हटा सकते हो। देन नेक्स्ट काम हमारा आता है कि यहाँ पे अब अपन करते हैं थोड़ा सा डॉज इफेक्ट, जो कि हम सेलेक्टिव टूल से अपने नोज़ एरिया जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है उस पर हल्के हल्के पेंट कर देंगे साइज़ को छोटा करके ब्रश का, एंड वहाँ से फिर हम इसकी हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे। और फिर कंट्रास्ट वगैरह को आप देख सकते हो फ़ोटो के अकॉर्डिंग, अपने ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा ही बढ़ाना है। देन यहाँ पे हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप चाहो तो अपने फेस पे भी ला सकते हो, डॉज का इफेक्ट लाना चाहो तो, जो मैंने अभी करके दिखाया, बस पेंट करके बढ़ाना है। देन यहाँ पे हमारा बिफ़ोर आफ्टर का वर्क कंप्लीट। अब हमें इसमें लगाना है टैटू एंड फ्लेयर्स, जो कि हम करेंगे पिक्सआर्ट के अंदर। सो लेट्स गेट इनटू द पिक्सआर्ट ऐप। तो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हम अब आ चुके हैं, एंड यहाँ पे हमको काम करना है, अपने फ्लेयर लगाना है। तो फ्लेयर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड फ्लेयर को हम ऐड करते हैं अपने फ़ोटो में कुछ इस तरह से, एंड देन एडजस्ट कर लेते हैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे रखा बिकॉज मुझे यहाँ पे शूट हो रहा था। देन मैं इफ़ेक्ट पे जा करके इसे ब्लेंडिंग मोड इसकी स्क्रीन करके फिर से इफेक्ट में आके इसे ब्लर दे रहा हूँ। सिंपल है, अब आसानी से कर सकते हो, ब्लर देना है बस। फिर आपको इरेज में आना है, एंड देन वहाँ पे आपको ओपेसिटी कम, हार्डनेस कम करके पेंट करना है ताकि शेप दिखे आपके फ्लेयर का। तो इस तरह से मैंने बस इरेज कर लिया फ्लेयर को शेप देते हुए, आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। देन नेक्स्ट काम हमारा जो आएगा वो आएगा टैटू डालने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेयर हमारा सेट हो गया, एंड देन अपन स्टार्ट करते हैं टैटू लगाना। तो अपन को सबसे पहले टैटू लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका PNG डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्लेयर और टैटू दोनों का PNG आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ऐसे लगा लेना है, एंड रीसाइज़ कर लेना है फ़ोटो के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आपको चाहिए अपने फेस पे या जहाँ पे भी आप लगा रहे हो। देन उसे मैं रीसाइज़ करा मैंने अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो। देन आपको उसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लेना है मल्टीप्लाई या फिर डार्कन, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। देन वो ऐसे आप सेट हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे इफ़ेक्ट पे, पिक्सआर्ट पे, जो कि देख सकते हो, एंड यहाँ से आप चूज़ करना है आपको ऑयल पेंट, जो कि आपको आर्टिस्टिक वाले सेक्शन पे मिल जाएगा। तो ऑयल पेंट से थोड़ा अच्छा सा नेचुरल लुक आ जाएगा। तो वहाँ से आप उसकी अमाउंट को थोड़ी कम रखिए और इस तरह से उसकी अमाउंट को आप सेट कर लीजिए। एंड उसके बाद आपका काम आएगा ग्रेन डालना। तो आप ग्रीन के लिए फिर से फ़िल्टर पे आ सकते हैं एंड ग्रीन ऐड कर सकते हैं। पिक्सार्ट में बहुत सारे ऑप्शन है। एंड देन फिर से थोड़ा सा ऑयल पेंट और देना है आपको, चाहे आपकी मर्ज़ी है टोटल। फिर ये कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। ऑयल पेंट याद रखना एंड ग्रीन याद रखना बस। देन आपको आना है इरेज़ पे। इरेज़ पे क्यों आना है भाई? क्योंकि एक टैटू है, जब लाइट के सामने आता है तो वो उतना डार्क नहीं दिखता। तो आप पहले एडजस्ट, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया क्योंकि मेरे फ़ोटो में मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लो, कम ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा या क्लैरिटी कम ज़्यादा, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। देन आपको इरेज़ पे आना है एंड जहाँ पे भी लाइट ज़्यादा लग रही है आपके फ़ोटो में, चेहरा चमक रहा है, वहाँ पे टैटू थोड़ा कम दिखेगा, तो आप इरेज़ कर लो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। सो कुछ इस तरह से मैंने इरेज़ कर लिया था। तो यही जो है मेरा सीक्रेट है कि आपको इरेज़ करना है लाइट के अकॉर्डिंग ताकि नेचुरल लुक आ जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने इरेज़ किया एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आ रहा है मेरे टैटू पे। तो यहाँ पे मेरा टैटू का भी काम कंप्लीट होता है। तो इस तरह से मेरी फ़ोटो ये वाली रेडी हुई। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत थी, थोड़ी सी बड़ी वीडियो थी, पर आई नो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी यार, बिकॉज़ इसमें मेहनत ज़्यादा है तो भाई रिज़ल्ट तो अच्छा मिलेगा ही। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट फ़ोटो कौन सी देखनी है और कौन सी फ़ोटो मैं रीमेक करूँ, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने फुल वीडियो देखा है तो यार मतलब मैं क्या बोलूँ तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।